सोशल मीडिया पर सांसद का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें धारमहू सांसद छत्र सिंह दरबार BMO को भरे मंच पर फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल धार जिले के मनावर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान में सांसद छत्र सिंह दरबार मुख्य अतिथि थे, परंतु सांसद के लेट होने के कारण BMO डॉक्टर GS चौहान ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर सांसद जी ने गुस्से में BMO डॉक्टर GS चौहान को स्टेज पर जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल उन्हें इस बात पर नाराजगी थी कि उनके आने से पहले चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर दिया, जबकि वे कार्यक्रम में करीब 45 मिनट देरी से पहुंचे थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ BMO डॉक्टर GS चौहान को सबके सामने स्टेज पर बुलाकर लताड़ दिया। सांसद ने चिल्लाकर कहा कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं क्यों लेट हुआ इसकी जानकारी लेना थी। इस कार्यक्रम में मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी मौजूद थे। मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर सांसद छत्र सिंह दरबार ने कहा कि मैंने किसी को नहीं डांटा, मैंने तो बस केवल कहा था कि मेरे स्वभाव में नहीं है किसी को डांटना। दरअसल जबलपुर और इंदौर में कार्यक्रम था, लिहाजा मैं लेट हो गया था। कार्यक्रम में देरी से पहुंचा, अनाधिकृत लोगों के द्वारा कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया था। इस पत्ति दर्ज करवाई थी कि सांसद छत्र सिंह दरबार का CMO को फटकार लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। फटकार नहीं लगी, मैंने बात की, फटकार तो लगाते ही नहीं कभी, मेरे स्वभाव में नहीं, आप लोग सब जानते हैं। फटकार नहीं लगी, क्या हुआ उस वीडियो को बताओ, आज की बात है, कल की बात। क्या हुआ? ये हमारा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे कार्यक्रम करना था, लगत अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं सहमत हुआ गया। मैं कल परसों जबलपुर इंदौर कार्यक्रम था, 2:30 बजे से आया, थोड़ा 10 मिनट लेट, तो 10 मिनट लेट होने पे वो कार्यक्रम प्रारंभ को जो मुझे करना था वो उन्होंने, इसमें नाम नहीं लूँगा, जो अनाधिकृत विधायक तो अधिकृत थे पर किसी के द्वारा करा दिया, तो मैं नाराज, जरा वेट करना चाहिए, आपने हमें मुख्य अतिथि बनाया है, ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा वेट करना था, 10-5 मिनट का आगे भी चलता, ऐसा थोड़ी कि अपन फॉरेन में कि टू दी पाइन। इस वजह से मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बस फटकार तो लगाता ही नहीं, डांटते ही नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं, आप लोग सभी चाहे जिसे उल्टे सीधे प्रश्न भी पूछते, कभी नाराज हुआ क्या? नहीं।